फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। ये देखिए, मैंने कढ़ाई में हल्का सा तेल ले लिया है। अब मैं इसमें बटर डालूंगी। ये देखिए, मैंने बटर डाल लिया है। ये देखिए, मेरा बटर मेल्ट हो गया। अब मैं इसमें हींग डालूंगी। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी। ये देखिए, मैंने हींग और जीरा डाल लिया है। हल्का मैं जीरा को भून लूंगी। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई लहसुन और हरी मिर्च डालूंगी। देखिए, मैंने अपने हरी मिर्च और अदरक को डाल दिया, भून लिया है। अब मैं बारीक कटा हुआ प्याज डालूंगी। ये देखिए, मैंने अपने प्याज को भून लिया है, भून रही हूँ। हल्का ब्राउन होने तक भूनूंगी। मैं गोभी, गाजर, बीन्स और शिमला मिर्च को बारीक काट के मैंने डाल लिया है। अब मैं इसको थोड़ा भून लेती हूँ। आलू को मैं कद्दूकस करके डाल लिया और मैं इसके साथ भून लूंगी। मेरी सारी सब्जियों अपनी सब्जियों को भून लिया है। कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी। अब मैं इसमें जीरा पाउडर डालूंगी। अब मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल लूंगी। अब मैं इसमें पाव भाजी मसाला डालूंगी। मैंने मटर को बॉयल कर लिया है। अब इसको भी इसमें ऐड कर लूँगी। ये देखिए, मैंने चार पांच टमाटर की प्यूरी बना लिया है। अब इसको भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इसको मैं बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी। ये देखिए, कितना अच्छा कलर आ रहा है। जिस मैं इसको भूनूंगी उतना टेस्ट अच्छा आएगा। अब मैं अपनी पूरी सब्जियों को मैश कर लूँगी। देखिए, मेरी भाजी बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए, मेरी भाजी बनकर रेडी हो गई है। और ये देखिए, मैंने पाव को भी सेक लिया है। ये देखिए, अब मैं अपने पाव भाजी को कटे हुए प्याज और नींबू के साथ सर्व करूँगी। देखिए, मेरी भाजी और पाव। आइए, इसका भी लुत्फ़ उठाइए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बाय, टेक केयर।